पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के सहयोग से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डॉक्टर ओपी सिंह के कुशल निर्देशन व पुलिस अधीक्षक नगर अमित किशोर श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी टीम व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 16/8/2023 को शिव कुटीर जोगीपुरा में लावेला चौराहा के पास डॉक्टर एस एन गोविल के आवास पर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर घर में की गई लूटपाट में शामिल चार अभिगढ़ को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार अभिगढ़ों ने इस पूछताछ में बताया कि शहनवाज निवासी मोहल्ला मछली बाजार थाना कोतवाली जनपद बदायूं लोकल का रहने वाला है। लगभग एक वर्ष पूर्व ये डॉक्टर एस वी अग्रवाल मोहल्ला पनबड़िया बदायूं की कार चलाता था। एक दिन एस वी डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर एस एन गोविल के यहाँ लेकर गया था। इस दौरान उसे पता चला कि डॉक्टर गोविल पत्नी समेत अकेले रहते हैं तथा इनके बेटे नोएडा में डॉक्टर हैं। इस तरह की उन्होंने प्लान बनाई। आपको बता दें कि इस तरह की प्लानिंग कर बता दें कि अभियुक्तों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया, लेकिन इस घटना का खुलासा किया गया है। और आपको बता दें कि अभियुक्त गढ़ों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उनके पास से दो नाजायज तमंचा, 315 बोर व 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। ये जनपद बदायूं में थाना कोतवाली के अंतर्गत डॉक्टर गोविल दंपत्ति के यहाँ 16 अगस्त को डकैती की घटना, हाउस रॉबरी की घटना कारित हुई थी। इस घटना में हमारी टीमें लगी हुई थी, तो हमारी एसओजी और कोतवाली की टीम ने मिल करके इस घटना का खुलासा किया है। इसमें पंजाब बरेली और शाहजहांपुर के अभियुक्तों ने मिल करके ये घटना कारित की। कुल 7 अभियुक्त थे, 5 अभियुक्त अंदर गए थे घटना के समय और 2 अभियुक्त बाहर वेट कर रहे थे। इनमें से एक शाहजहांपुर का अभियुक्त शंकर, शोभित, शहनवाज और सनी पंजाब का है, जो इनको अरेस्ट किया गया है। इनके पास से 12,300 रुपये की बरामदगी हुई है और तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। 3 अभियुक्त जो पंजाब के हैं, निर्मल और निर्मल का नौकर और इसका एक साथी है करणबीर, ये बरेली का है, ये वांटेड हैं, ये भी नहीं मिल पाए हैं। इनके लिए हमारी टीमें लगी हुई, शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इन्होंने ये घटना पहले भी बरादरी में ज्वेलरी के यहाँ लूट की घटना की थी और इसी गैंग ने शाहजहांपुर में भी डकैती की घटना कारित की थी। एक बहुत बड़ा गैंग था। शहनवाज जो डॉक्टर एस एन अग्रवाल का ड्राइवर था, ये यहाँ बदायूं का रहने वाला है। इसने ये सूचना दी थी कि ये डॉक्टर दंपत्ति अकेले रहते हैं, इनसे 50 लाख रुपए की संभावना है मिलने की और इस संभावना पर ये पंजाब के जो अभियुक्त हैं ये पेशी पे आए थे बरेली पे और एक हफ्ता पहले इन लोगों ने रैकी की थी और 2 बार रैकी करने के बाद ये घटना कारित की है। ये घटना, इस घटना का बहुत अच्छा पर्दाफाश हमारी बरेली बदायूं पुलिस ने किया है। इसकी उत्साहवर्धन के लिए 25,000 रुपये पारितोषक मेरी तरफ से दिए जाएंगे और निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं से पर नियंत्रण होगा और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।